इस दौर में हर क्षण हर दिन नित नई परिस्थितियां हैं, लेकिन इनको पार करके जाने में ही हम सबकी क्षमता की परीक्षा होती है। आज की हमने महावाक्य भी सुने, परमात्मा ने हमें कहा मधुरता के मूरत बन जाओ। चलिए कुछ आज हम अब ऐसा एक अभ्यास करते हैं। वह अभ्यास है कि सबसे पहले मन के विचारों में मधुरता, फिर वही मधुरता अपने वचन में, फिर वही मधुरता अपने कर्म में, तो तब हमारी जिंदगी मधुरता से संपन्न बन जाएंगी। अक्सर करके होता क्या है कि हमारे जो बोल हैं हमारी भावनाओं के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कई बार अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है तो गुस्से में रहने वाला व्यक्ति जब वो गुस्से का संकल्प करेगा, गुस्से का बोल बोलेगा, कर्म भी गुस्से का ही करेगा, तो उनका जीवन का जो इमेज है, उस व्यक्ति का जो इमेज है, वो तो गुस्से वाला व्यक्ति है, ये कहलाया जाता है। ऐसे ही जब अगर एक व्यक्ति मधुरता संपन्न होगा, मधुर विचार रखेगा, मधुर बोल बोलेगा और फिर मधुर कर्म भी करेगा, कोई अगर एक पेन भी कोई मांगेगा बड़े नम्र पूर्वक नम्रता से उस कार्य को वो करके दिखाएगा। बात वहाँ पर दिखाने की भी नहीं है, लेकिन वो कर्म ही ऐसा करेगा, वो बहुत ही मधुरता संपन्न होगा। कई बार कई ऐसे लोग भी होंगे साधारण कर्म भी करेंगे, जैसे कि समझ लीजिए कोई एक हॉल है, उस हॉल में जाकर के बैठना भी होगा, उस कुर्सी का आवाज़ का करना और उस कुर्सी पर बैठना, इतने से कर्म को उन्होंने कितना आवाज़ में किया। वही व्यक्ति जो मधुरता संपन्न जो व्यक्ति होगा वो नम्रचित्त भी होगा, वो ऐसा अपना कर्म करेगा कि वह कुर्सी की आवाज़ भी ना हो और वो अपने शांतिपूर्वक उस स्थान पे बैठ भी जाए जो दूसरों को डिस्टर्बेंस भी ना हो। भाव यहाँ पर मधुरता की चल रही है, तो यहाँ मधुरता संपन्न विचार हम सबको ही करने हैं। तो चलिए कुछ आज हम ऐसा अंदाज अपना लेते हैं, आज से हम मधुरता संपन्न विचार उत्पन्न करेंगे, मधुर बोल बोलेंगे और कर्म भी मधुरता संपन्न। अब प्रश्न उठता है, मधुर विचार कर लेंगे, मधुरता संपन्न विचार और मधुर बोल भी बोल लेंगे, अब कर्म कैसा? यही बात अगर इसका एक मापदंड देखिए, अगर एक गुस्से वाला व्यक्ति होगा, अगर जैसे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, जिस समय पर माँ खाना भी बना रही, बहुत सारे काम काज कर रही है, तो उस समय पर समझ लीजिए बच्चे कहते हैं माँ एक गिलास पानी भी दो, माँ ये दे दो, माँ वो दे दो, माँ ये करो, तो तब माँ जो है बहुत गुस्से में आकर के एक गिलास पानी देती तो है, लेकिन उस समय पर गिलास रखने की आवाज़ आती है, जिसको हम कहते हैं गिलास पटकना, जिससे पानी उछल के टेबल पे भी गिरने की संभावनाएं होती हैं। तो भाव ये है कि वही कर्म अगर कोई एक मधुरता संपन्न स्त्री होगी और फिर वो उस कार्य को करेगी, बड़े ही नम्रचित्त होकर के उस कार्य को करेंगी, ऐसे ही हम सबको इस मधुरता संपन्न जीवन को जीना है। तो चलिए आज से हम ऐसा शुभ विचार को अपने मन में लाए, फिर अपने कर्म में भी लाएंगे। अच्छा, ओम शांति।